हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज शेफ सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में यहाँ हमारे ऑफलाइन कुकिंग क्लासेस चलते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड हम देते हैं 135 प्लस ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज। अगर आप हमारे किसी भी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके घर बैठे कभी भी कहीं से आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो आज जो क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये है नॉन वेज मोमोज का क्लास। वैसे तो वेज मोमोज का भी हमारे पास क्लास है, लेकिन ये एक स्पेशल क्लास है नॉन वेज मोमोज में। इस क्लास में हम आपको सारी वैरायटी के नॉन वेज मोमोज दिखाएंगे जो आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। तो इस क्लास की खासियत क्या है? जब आप ये क्लास सीखते हो तो ये क्लास हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये क्लास करने के बाद आप घर में तो मोमोज बना ही सकते हो, नो डाउट बन जाते हैं। लेकिन अगर आगे जाके आपको ऐसे लगता है कि मुझे इसमें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या किसी के दिमाग में ऐसे चल रहा है कि मुझे मोमोज का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये क्लास करने के बाद आप आराम से मोमोज का बिज़नेस कर सकते हो। क्योंकि इस क्लास में हम आपको वो सारे कैलकुलेशन दिखाएंगे कि अगर आपको एक प्लेट मोमोज बनानी है तो आप कैसे इन्ग्रीडियंट्स लोगे, अगर उसी एक प्लेट को आप अगर आपको 10 प्लेट में बनाना है, 20 प्लेट में बनाना है, केजी वाइज अगर आपको मोमोज बनाने हैं तो कैसे काम किया जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ होममेड नहीं, आप कमर्शियल लेवल पे भी इन मोमोज को बना सकते हो। तो देखते हैं आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। तो ये हमने बनाए हैं स्टीम चिकन मोमोज। तो जब आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हो तो हम आपको बताते हैं कि ये जो चिकन मोमोज है वो एकदम जूसी कैसे आप बना सकते हो। उसके लिए एक ट्रिक होती है जो ऐड करने से आपके जो मोमोज है वो एकदम जूसी बनते हैं। इसके बाद ये हमने बनाए हैं चिकन फ्राइड मोमोज। तो जब आप फ्राइड मोमोज बनाते हो तो कौन से बातों का ध्यान रखना है ताकि जो आपके ये मोमोज है ना वो एकदम क्रिस्पी बने। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम आपको इस क्लास में सिखाते हैं। इसके बाद ये हमने बनाया गोइजा मोमोज। वैसे तो हमारे पास मोमोज में वेज मोमोज का भी क्लास है और ये नॉन वेज मोमोज का है। देन ये हमने बनाया है चिली मोमोज। तो इस क्लास में हमने आपको पूरा नॉलेज दिया है कि अगर आपको एक प्लेट में काम करना है तो आपको कैसे क्वांटिटी को डिसाइड करना है। वही जब आप 10 प्लेट मोमोज बनाओगे तो आप केजी वाइज कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे काम करोगे, अगर आपको शॉप डालना है तो कैसे काम करना है। ये है मटन मोमोज। तो जब आप शॉप के लिए काम करते हो ना, या अगर आपको शॉप डालना है तो वो काम करने का तरीका पूरा अलग होता है, ओके। लेकिन जब आप घर में बनाते हो तो वो काम करने का तरीका अलग होता है। ये जो बातें होती है आपको इस क्लास में समझाई जाती है। इसके बाद ये हमने बनाया प्रॉन्स मोमोज। तो ये क्लास करने के बाद आप घर के लिए मोमोज बना सकते हो। अगर आगे जाके आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि आगे जाके हम इसमें बिजनेस करें तो वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद ये हमने बनाया है तंदूरी मोमोज। तो तंदूरी मोमोज अगर आपके पास तंदूर ना हो आप घर पे कैसे बना सकते हो वो भी आपको दिखाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे मोमोज है ये है चिकन चीज मोमोज। तो ये जो मोमोज होते हैं बहुत ही चीजी होते हैं, टेंडर होते हैं, जूसी होते हैं। तो जब आप ये क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको बताया जाता है कि इसकी फोल्डिंग कैसे करनी चाहिए, कितनी स्टफिंग डालनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, हर एक चीज आपको इसमें एक्सप्लेन की जाती है। इसके बाद ये हमने बनाए हैं इटालियन स्पाइस मोमोज। आप देख सकते हो जितने भी मोमोज बने हैं दिखने में कितने टेम्पटिंग है, जूसी है, और इनका शेप देखिए कि शेप को आप कैसे रिटेन कर सकते हो। उसके बाद अगेन ये है बहुत ही टेस्टी थाई मोमोज। तो आज के क्लास में मैंने वो सारा मेनू कवर किया है जिसे सीखने के बाद आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देन ये हमने बनाए हैं अचारी मोमोज। तो अचारी मोमोज
दो तरीके से सर्व किए जाते हैं, वो कैसे करने हैं वो आपको इस क्लास में समझाया जाएगा। इस क्लास में आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि एक प्लेट में कितने मोमोज आप सर्व करते हो, कैसे काम करना है, कितने इंग्रेडिएंट लेने, हर एक चीज। इसके बाद ये है बहुत ही अमेजिंग पिज्जा मोमोज। ओके, ये देखिए कितना चीजी है, ये खाने में अल्टीमेट लगता है। इसके बाद ये हमने बनाए हैं कुरकुरे मोमोज, कितने क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ये जूसी होते हैं। वैसे तो हमारे पास 135 प्लस कोर्सेस है, सारे कोर्सेस हमने ऐसे डिजाइन किए हैं कि आप घर के लिए तो इस्तेमाल कर सको, लेकिन साथ में आगे जाके अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ये है हमारे अफगानी मोमोज। इसके बाद ये हमने बनाए हैं ग्रेवी मोमोज। तो स्ट्रीट स्टाइल ग्रेवी मोमोज कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फटाफट से काम किया जाता है, वो सब हम इसमें दिखाएंगे। तो आज की क्लास में जितने भी मोमोज हम आपको सिखाने वाले हैं सब स्ट्रीट स्टाइल है, उतने ही टेस्टी, वैसे ही जूसी है। तो ये है हमारे मिंटी मोमोज, ये देखिए कितने जूसी हैं और अमेजिंग इसका टेस्ट है। अब आप स्ट्रीट स्टाइल जो मोमोज है घर पे बना सकते हो, वो भी एकदम फटाफट से। इसके बाद ये हमने लिया है थुपका मोमोज। और इसके बाद ये है चटनियाँ, रेड चटनी, ग्रीन चटनी और इंस्टेंट चटनी। सो ये जो तीन चटनियाँ ना, इसके बिना मोमोज अधूरा है। ओके, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, तो चटनी भी हमने इस क्लास में कवर की है। तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास, है ना बढ़िया क्लास? ये क्लास करने के बाद आप घर बैठे कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको दो मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है वो कैसे चलते हैं। तो जब आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको रेसिपी दी जाती है जो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है और वो हमेशा आपके पास रहती है। उसके बाद हम पूरे क्लास का वीडियो शेयर करते हैं जो लाइफ टाइम आपके पास रहता है। और उसके बाद आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, इसके साथ दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से घर बैठे आप कहीं से भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बारी आती है हमारे लकी विनर की। तो इस वीक के जो दो लकी विनर हैं, मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, आपको भी लकी विनर बनना है, तो सबसे पहले वीडियो पूरा देखिए, आपके मन में जो भी ख्याल आ जाए कमेंट में डाल दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो फर्स्ट लकी विनर है वो है दिव्या जैन और सेकंड लकी विनर है पिया मजुमदार। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को हमारी पूरी ओम साई टीम की तरफ से। आप आपका फ्री ऑनलाइन क्लास हमसे कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पसंद आते हैं या हमारी YouTube की रेसिपी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि हर वीक जो भी मैं क्लासेस लेके आती हूँ या रेसिपी लेके आती हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ या एक नई रेसिपी के साथ अगले हफ्ते।